Assalamu alaikum, hope you guys are doing well. So this is our new video on developmental biology, ZOO501 topic number 2. I think we should start. Topic number 2, हमारे पास क्या है? Developmental hierarchy of animals. Hierarchy सबसे पहले क्या होती है? Hierarchy एक sequence को कहते हैं, एक series कहते हैं, जो कि sequence wise move करती है. जैसे कभी आप ऑब्जर्व करें लैडर को या फिर स्टेयर्स को, आपने देखा है कि स्टेयर्स में या लैडर में आप सीक्वेंस वाइज या तो ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं. तो ये इसमें एक सीक्वेंस होती है, एक सीरीज़ होती है. इस तरह के एग्जांपल्स मैं इसलिए देती हूँ ताकि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक मैथड्स को ना बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ सकें. बेसिक हमारा जो फोकस होता है वो किस चीज़ पर होता है? अंडरस्टैंडिंग पे है. बहुत ज़्यादा मुश्किल टर्म्स बता के मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती, इसलिए बहुत ईजी सी लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ कि हायरार्की आपके पास एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें आप सीक्वेंस वाइज किसी भी स्पेसिफिक अपनी मंजिल की तरफ मूव करते हैं. डेवलपमेंटल हायरार्की ऑफ एनिमल्स क्या होती है कि एनिमल्स के डिवाइड यानी कि डेवलप करने की एक प्रॉपर एक सीक्वेंस होगी. इसको देखते हैं हम कि आपके पास बेसिकली जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल टाइप्स होती हैं, पहले से मौजूद होते हैं कोई सेल्स, ठीक है, और फिर वो ऐसे डेवलप करते हैं कि वो आगे से अपनी न्यू फॉर्म्स को गिव राइज करते हैं, आगे से अपनी नई तरह की सेल टाइप्स को डेवलप करते हैं. ये जो आपके पास डेवलपमेंटल डिसीजंस होते हैं ये ज़्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं और प्रोग्रेसिवली मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. इसका क्या मतलब है कि आपके पास जैसे जैसे ये सेल जो है ना वो डिवाइड करते हैं वो अपने स्पेसिफिक जो है ना वो ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे होते हैं, स्पेसिफिक अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं, और इस प्रोसेस को ना आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप दोबारा से इसको अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं लेकर आ सकते. अच्छा जी, ये बेसिकली एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल फेट. सेल फेट क्या होते हैं हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे. आगे देखते हैं कि एनिमल डेवलपमेंट इज़ द डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो इनटू 3 जर्म लेयर्स. नाउ यू आर ऑब्जर्विंग कि आपके पास एक एनिमल एम्ब्रियो होता है जो कि बहुत इनिशियल स्टेज होती है. ये अब आगे से आपके 3 जर्म लेयर्स को गिव राइज कर रहे हैं. नंबर 1 इज एक्टोडर्म, नंबर 2 इज मीजोडर्म, एंड नंबर 3rd इज एंडोडर्म. नाउ यू आर ऑब्जर्विंग, आप एक हायरार्की देख रहे हो ना कि एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो है वो आगे से 3 जर्म लेयर्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक एक्टोडर्म है, एक मीजोडर्म है और एक एंडोडर्म है. ये अब कैसे होता है हमारे पास, लेट्स सी. एक हमारे पास बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है पोटेंसी और सेल्फ फेट. हम इससे पहले कि किसी भी किस्म की डेवलपमेंटल के जो है ना वो हार्श किस्म के प्रोसेसेस को पढ़े, इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पोटेंसी क्या होता है और सेल्फ फेट क्या होता है. पोटेंसी इज़ द इंटायर रेंज ऑफ द सेल टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर सेल कैन गिव राइज टू इन ऑल पॉसिबल इन्वायरमेंट्स. पोटेंसी आपके पास क्या होती है कि आपके पास जो एक सेल है वो आगे से कितनी तरह के सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है, ये उसकी पोटेंसी है. यानी कि आपके पास एक सेल आगे से कितनी तरह के सेल को प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है, ये उसकी पोटेंसी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ सेल इज़ प्लूरिपोटेंट इफ़ इट कैन गिव राइज टू ऑल डिफरेंट ब्लड सेल लीनिएजेस. आपके पास एक सेल है और वो आगे से जितनी भी तरह के ब्लड सेल लीनिएजेस को गिव राइज कर रहा है, ये उसकी पोटेंसी है. ब्लड सेल लीनिएजेस हमारे पास कितनी ज़्यादा तरह की होती हैं, एक रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, कितनी तरह की लीनिएजेस होती हैं, और ये सारी लीनिएजेस हमारे पास सिर्फ एक सेल से जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही हैं. तो इस एक सेल के अंदर क्या है, ये सारी ब्लड सेल लीनिएजेस को प्रोड्यूस करने की पोटेंसी है. पोटेंसी इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी. पोटेंसी जो है ना वो किसी भी सेल की अंदरूनी सलाहियत होती है, उसके अंदर की प्रॉपर्टी होती है, ये कोई एक्सटर्नली उस पर नहीं आती. अब देखते हैं कि सेल फेट क्या होती है. सेल फेट हमारे पास क्या होती है कि फेट, आपको पता है फेट हम किसे कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, किस्मत को. अब सेल डिवाइड करता करता जब अपनी फाइनल इमेज पे पहुंच जाता है तो वो उसकी फेट होती है, वो उसकी किस्मत होती है. यानी कि सबसे लास्ट डेवलपमेंट होके उस सेल ने जो बनना था वो उसकी सेल फेट कहलाती है. सम सेल्स अमंग ब्लड सेल लीनिएजेस बिकम RBCs. इसकी एग्जाम्पल को हम कैसे देखते हैं कि तमाम ब्लड सेल लीनिएजेस में वो सेल जो कि RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल बन गए हैं, तो ये उनकी किस्मत थी कि उन्होंने रेड ब्लड सेल बनना था. उसके बाद है कि सेल पोटेंसी इज अ ग्रेटर देन एन इक्वल टू फेट. आपके पास जो सेल पोटेंसी होती है ना वो फेट से थोड़ी हायर प्रॉपर्टी होती है. समटाइम्स इट कैन बी इक्वल बट इट्स स्टिल ग्रेटर देन. इस पूरी सेल फेट को और पोटेंसी को मैं एक डायग्राम के थ्रू जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ. लेट्स सी.
आपके पास एक ब्लड स्टेम सेल है, ब्लड सेल स्टेम यू आर ऑब्जर्विंग कि आगे से कितनी तरह के सेल को जो है ना वो गिव राइज कर रहे हैं, तो ये एक सेल आगे से जितनी तरह के सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है, ये क्या है, उसकी पोटेंसी है। और ये डिवाइड करता करता जो है ना वो रेड ब्लड सेल बन गए हैं, कुछ प्लेटलेट्स बन गए हैं, कुछ WBCs बन गए हैं, तो ये जो बिल्कुल फाइनल इमेज आपके पास आ गई है, ये क्या है, इसकी सेल फेट है। ठीक है, दोबारा से बताती हूँ, होप सो आपको समझ आए। एक दफ़ा फिर से डेमो देती हूँ कि आपके पास एक सेल जितनी तरह के सेल प्रोड्यूस कर सकता है, ये उसकी पोटेंसी है, और वो डिवाइड करके जितनी तरह के फाइनल इमेजेस दे देगा, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, WBCs, ये उसकी क्या हो जाएगी, सेल फेट। बहुत स्टार्टिंग में हमने एक चीज़ देखी थी कि कैसे हमारे पास जो है ना वो एक ब्लास्टुला को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में भी रीड करेंगे। अभी आप 3 जर्म लेयर्स पे फोकस करें कि आपके पास ब्लास्टुला जो है वो आगे से 3 जर्म लेयर्स को गिव राइज करता है, विच इज़ नंबर 1 इज़ एक्टोडर्म, नंबर 2 इज़ मीजोडर्म, नंबर 3 इज़ एंडोडर्म। आगे से आप ये ऑब्जर्व करें कि ये 3 जर्म लेयर्स आगे से कितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को गिव राइज कर रही हैं। एक्टोडर्म आपके पास एपिडर्मिस बना रही है, एपिडर्मिस आपके पास स्किन रिलेटेड सेल्स होते हैं, न्यूरल प्लेट बना रही है, न्यूरल क्रेस्ट बना रही है जो कि आपका नर्वस सिस्टम बन जाता है, मीजोडर्म आगे से डॉर्सल है, वेंट्रल है, सोमाइट्स हैं, नोटोकॉर्ड बना रही है। इसके बाद एंडोडर्म आपके पास गट एपिथेलियल यानी कि जो आपके पास एब्डोमिनल एरिया होता है पूरा, उसको गिव राइज कर रही है। तो ये पूरे इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन 3 लेयर से बन रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको एक हायरार्की नज़र आएगी, सीक्वेंस नज़र आएगी कि सबसे पहले ब्लास्टुला, फिर 3 जर्म लेयर्स, और हर एक जर्म लेयर जो है वो अपने स्पेसिफिक ऑर्गन्स को गिव राइज कर रही है, और इसमें आपको एक सीक्वेंस नज़र आ रही है। सो दिस वॉज द बेसिक हायरार्की, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल हायरार्की ऑफ एनिमल्स। थैंक यू सो मच गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, इसलिए अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन ताकि किसी भी किस्म की वीडियो, किसी भी टॉपिक की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है स्टिल तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ भी सकते हैं, और अगर आपके किसी भी फ्रेंड को या आसपास जानने वाले में किसी को कोई भी टॉपिक समझने में मुश्किल हो रही है तो उनके साथ शेयर भी करें, हो सकता है कि इस वीडियो के थ्रू उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच।